पैगंबर धार्मिक टिप्पणी विवाद पर जिस तरीके से अरब देशों का रुख देखने को मिला है, इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी हुई है देश में, क्योंकि अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है, ये भी टिप्पणियां निकल कर आई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन खेड़ा जी, देश क्या एकजुट है अरब देशों की इस तीखी प्रतिक्रिया पर? क्या मैसेज देगी कांग्रेस? देश के भीतर से सलाह बार बार दी जा रही थी नरेंद्र मोदी जी को कि इस तरह का खेल मत खेलिए, इस तरह का जहर मत घोलने दीजिए। 8 साल से लगातार देश का बुद्धिजीवी वर्ग, कलाकार, सेवानिवृत्त अधिकारी, सब लोग बार बार याद दिला रहे थे। विपक्ष तो खैर लगातार कर ही रहा था, मोदी जी ने न सुना न कुछ बोला, न अपने लोगों को चुप कराया, गोली मारो वालों को मंत्री बना दिया। आज ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि उस वक्त आपने हमारी नहीं सुनी थी कि आज एक बाहर से घुड़की आती है और आप एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब दूसरे देशों में प्रतिक्रिया होती है तो अपने देश में अपनी सरकार का ऐसे मौके पर साथ देना चाहिए, ये भी मैसेज जाता है। क्या कांग्रेस ऐसे वक्त सरकार का साथ देगी जब उसको दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अरब देशों की प्रतिक्रिया हुई है उसका सामना करना है? सरकारों को संविधान का साथ देना जरूरी होता है, सरकारें संविधान के आधार पर चलती हैं। यह बात हम बार बार मोदी जी को याद दिला रहे थे, तब संवैधानिक मूल्यों को की रक्षा करने में वो नाकामयाब हुए। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है ये उस वक्त की चुप्पी का नतीजा है। और बीजेपी ने कार्रवाई की है, जो प्रवक्ता हैं विवादास्पद बयान देने वाले, एक को निष्कासित किया गया, एक को निलंबित किया गया, और इसके अलावा भी बीजेपी ने ये तय किया है कि अब टीवी डिबेट्स पर जो उनके प्रवक्ता हैं वो कोई धार्मिक बयानबाजी नहीं देंगे, सीधे तौर पर मुद्दों पर बात करेंगे। आप तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, आपको तब नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ, क्या हो रहा है, आपके लोग क्या कर रहे हैं? और आप तो खुद उसी रास्ते से चल कर आए हैं, उन्हीं गलियों से आप भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपसे उम्मीद करना भी बड़ा बेकार है कि आप किसी को काबू कर सकते हैं। आपके अपने भाषण प्रधानमंत्री बनने से पहले खैरलान जी 2002 सितंबर, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2017 उत्तर प्रदेश शमशान कब्रिस्तान, 2019 दिसंबर कपड़ों से पहचानना, ये सब बातें तो आप ही ने कही हैं। आपके अपने मुख्यमंत्री 80-20 का चुनाव बताते थे अभी कुछ महीनों पहले, तो फिर ये कौन सा फ्रिंज और कौन सा मेनस्ट्रीम? जो कल फ्रिंज था वो आज मेनस्ट्रीम है। लेकिन अगर बात आगे बढ़ने की हो और अगर ये मैसेज देने की हो कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस यहाँ पर एक सलाह देगी इस पूरे मामले पर, जो अरब देशों की प्रतिक्रिया आई है, इससे कैसे निपटा जाए और क्या सरकार को लेकर क्या मैसेज दिया जाए, इस पर क्या सुझाव रहेगा? छोड़िए अरब देशों को, छोड़िए विदेशी मुल्कों को, अपने देश की चिंता आपको करनी है, कोई और नहीं करेगा, और किसी और को हम देंगे भी नहीं है सुपारी कि भई आप चिंता करिए हमारे देश की। हमारी सरकार सक्षम होनी चाहिए अपने देशवासियों की सुरक्षा देने में और संवैधानिक मूल्यों को रक्षा करने में। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो बता दीजिए। तो इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस एक बैठक की मांग कर रही है कि सबको साथ लेकर चलिए, सबकी सुनिए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए आप? हम तो बोल बोल कर थक गए भाई, सुनिए, यह देश ऐसे नहीं चलता, इतना बड़ा देश इतने छोटे दिल से नहीं चल सकता, हमारी सलाह नहीं मानी जाती, तो हम इनसे क्या मांग करें? आए कम से कम माफी तो मांगे, देश का सर झुका रहे हैं इस तरह से। और राजनीतिक हमले जारी हैं और अरब देशों की इस प्रतिक्रिया पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एकजुटता का जहां तक बात है उसको लेकर भी उन्होंने इशारे इशारों में लगातार निशाना साधा है, बीजेपी से सवाल पूछे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।